सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो सर्किट मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सर्किट है। ये वेरिएबल पावर सप्लाई जो मैंने बनाई थी ये हाई एम्पीयर वेरिएबल पावर सप्लाई थी, 10 एम्पीयर तक काम करती है। ये पूरी होममेड है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इस सप्लाई में पावर सप्लाई में ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सर्किट जो है बनाया है। ये वेरिएबल पावर सप्लाई पे भी काम करेगा और आप सर्किट को एक फिक्स्ड पावर सप्लाई के लिए भी बना सकते हैं, 5 वोल्ट के लिए, 6 वोल्ट के लिए, 9 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, 24 वोल्ट के लिए। तो थोड़े से कंपोनेंट्स इसमें आपको दो ही कंपोनेंट चेंज करने पड़ते हैं, एक आप रिले चेंज करेंगे और एक आप ये रजिस्टर चेंज करेंगे, तो आपकी सप्लाई जो शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन है किसी भी पावर सप्लाई के लिए आप ये बना सकते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्किट जो है वर्क करता है। तो अभी ये जो मैंने सर्किट बनाया है ये लगभग 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक सर्किट वर्क करता है, क्योंकि मेरे पास जो है जो वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट का ही था। अगर मैं 7803 यहाँ पर यूज़ करूँ और रिले भी 3 वोल्ट का यूज़ करूँ तो इस सर्किट में 3 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, ये सर्किट लोड के ऊपर भी चेक करेंगे और विदाउट लोड भी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव सप्लाई और ये पॉजिटिव सप्लाई। तो जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे रेड कलर का एलईडी ऑन होगा, वो दिखाएगा कि हमें सप्लाई जो है आउटपुट पे अभी सप्लाई नहीं है। तो जब तक हम इस बटन को, ये पुश स्विच आपको दिख रहा होगा छोटा सा, तो आप कोई भी पुश स्विच लगा सकते हैं इसकी, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे आउटपुट जो है यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगी और उससे पहले आपको आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मैं आपको एक बार जैसे ही इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर एम्पियर जो है 0.06 मिली एम्पियर जो है लोड ये ले रही है, रिले की वजह से ही वो है। और जैसे ही ये कट होगा, जरा सा भी इससे बढ़ेगा नहीं, मतलब कुछ मिली सेकंड्स में ही सर्किट जो है कट ऑफ कर देता है, जिससे आपकी पावर सप्लाई को कोई भी नुकसान नहीं होता। चलिए मैं इसको जोड़ता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान रखिए साथ में। देखिए उसी टाइम जीरो पे चला गया है ये लोड जो है, क्योंकि रिले जो है कट ऑफ हो चुकी है और रेड एलईडी जो है हमारा ऑन हो चुका है। तो एक बार फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार कम वोल्ट पे करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए 6.6 वोल्ट है, तो मैं इसको एक बार फिर से इसको ऑन कर लेता हूँ पुश स्विच। बाकी जैसे ही पुश स्विच को हम ऑन करेंगे आउटपुट जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो जितनी वोल्टेज कम होगी, रिले भी आपको देख रहे हैं कि थोड़ा कम मिली एम्पीयर जो है ले रही है। तो मैं फिर से इस सर्किट को जो है टच कराता हूँ इसके आउटपुट को, तो आउटपुट टच होते ही रेड एलईडी ऑन हो गया और आउटपुट यहाँ पर जो है जीरो हो गई। बेशक तार ये आपस में मिली भी रहेगी तो भी कुछ भी नुकसान इसको नहीं है। तो चलिए अब वोल्टेज बढ़ा के देख लेते हैं। तो मेरी जो पावर सप्लाई है ये मैक्सिमम 19 वोल्ट के आसपास ही देती है, क्योंकि मैंने इसमें जो इनपुट है इतनी ही दी हुई है। अब आप इसमें मैक्सिमम 30 वोल्ट तक जो है पावर सप्लाई इसमें इनपुट पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फिर से इसको मैं चला के दिखाता हूँ, 0.06 मिली एम्पीयर रिले लोड ले रही है, सर्किट ऑन है, आउटपुट पर वोल्टेज है। तो इसको मैं कट कराता हूँ, देखिए जैसे ही मैं इसको फिर से जोड़ता हूँ विदाउट एनी लोड एनी शॉर्ट सर्किट, सर्किट हमारा कट हो जाता है। तो चलिए इसके साथ में एक मैं आउटपुट पे ये बल्ब भी जो है लगा लेता हूँ, ये 12 वोल्ट का है, मैं सप्लाई जो है 12 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। चलिए 12 वोल्ट के आसपास एम्पियर जो है ये बिल्कुल कम नहीं करते, इसको भी हाई किया हुआ है मैंने, फुल हाई किया हुआ मैंने इसको। तो इसको मैं इस पर लगा लेता हूँ इस बल्ब को आउटपुट पर, जिससे आप ये चीज़ देख सकें कि एम्पियर इसके कितने हाई, ये नहीं कि मैंने एम्पियर कम करके फिर कट ऑफ करके आपको दिखाया है। आप कितने भी एम्पियर तक आउटपुट इससे ले सकते हैं, बस रिले उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने पुश स्विच को ऑन किया आप देख सकते हैं बल्ब जो है हमारा ऑन हो गया और आप एम्पियर भी देख सकते हैं 3 एम्पियर से ऊपर जो है लोड ये ले रहा है, हाई वाट का ये बल्ब है। तो हम एम्पियर और भी इंक्रीज़ कर देते हैं, जितने मैक्सिमम एम्पियर जो है ये ले सकता है। देखिए इसको फिर से अभी शॉर्ट करके देखते हैं, तो देखिए जैसे ही शॉर्ट हुआ कोई स्पार्क नहीं हुआ, आउटपुट पे वोल्टेज जो है कट हो गई है और रेड एलईडी जो है ऑन हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया सर्किट है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले मेरी वेबसाइट पर चलते हैं इसका सर्किट डायग्राम देखने के। तो दोस्तों इसके लिए आपको आना होगा मेरी वेबसाइट etscircuits.com पे। तो
तो आप मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक है वो यहाँ पर सर भी दिए गए हैं, यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज तक की मेरी जितनी भी वीडियो और सर्किट्स या प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे। आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करें, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं और लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जो सर्किट है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, उस पर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी सर्किट्स हैं उन सभी की डिटेल जो हमारी वेबसाइट पे दी रहती है, वीडियो में हर चीज़ बताना मुश्किल हो जाता है। तो ये सर्किट क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें चेंजेस करके आप इस सर्किट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट सर्किट जो है ये फिक्स्ड सप्लाई के लिए है, पावर सप्लाई के लिए। इसे आप 5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट की सप्लाई है या आपकी 9 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें आपको चेंज करनी है। एक तो रिले आपको चेंज करनी है, अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 5 वोल्ट की रिले यूज़ करेंगे आप, और ये रजिस्टर जो है 100 ओम का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी है, अगर 9 वोल्ट की है तो 220 से 470 ओम के बीच रजिस्टर यूज़ करें, 12 वोल्ट के लिए 1K का, और 24 वोल्ट के लिए 2.2K का रजिस्टर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सभी रजिस्टर जो है 1/4 वाट में है। इसका सिंपल सा डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 5 वोल्ट के लिए। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड सर्किट मैंने आपको दिखाया है, इस सर्किट में ये है वेरिएबल सप्लाई के लिए। अगर आपको 7803 रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाता है तो आप यहाँ पर इसको 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इनपुट देंगे तो एक ही सर्किट आपका सभी के लिए काम करेगा, पूरी वेरिएबल सप्लाई के लिए एक ही सर्किट आपका काम करेगा। और सर्किट कितने बढ़िया तरीके से वर्क करता है ऑलरेडी आप डेमो में देख चुके हैं। हाँ, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप 7805 और 5 वोल्ट का रिले यूज़ करें, क्योंकि दोनों कई बार ये मिलता नहीं है, 3 वोल्ट की रिले और 7803, या आप 3.3 वोल्ट की यहाँ पर जो है सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो पूरी डिटेल पार्ट्स लिस्ट इसमें दी हुई है कि किस चीज़ के लिए क्या क्या आपको कंपोनेंट्स चाहिए। और उसके बाद इसका ये पीसीबी लेआउट है, तो आपके लिए बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस पीसीबी को आप A4 पेपर के ऊपर निकालें, प्रिंट को इसका प्रिंट लेते ही, और साइज़ इसका बिल्कुल एक्चुअल सही ही आएगा। तो किसी भी पीसीबी बोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर, जो मैंने पहले एक वीडियो में एक में बताया भी था कि पीसीबी लेआउट आपने कैसे बनाना है, वो देख सकते हैं आप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसमें दे दूंगा। तो आप पीसीबी के ऊपर ये डिज़ाइन करके सर्किट बना सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ इसकी कनेक्टिविटी आपने कैसे करनी है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको इसकी कनेक्टिविटी सारी जो है समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान सा सर्किट है, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली है और 9 वोल्ट का ही रिले यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और 220 ओम का रजिस्टर मैंने लिया है 9 वोल्ट की बैटरी के लिए। तो अपनी जो इनपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग आपने रिले और ये रजिस्टर जो है यूज़ करना है। पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो वहाँ पर आपने ज़रूर ये चेक कर लेना है। तो चलिए इसकी कनेक्टिविटी शुरू करते हैं। जो रिले का एनो यानी कि नॉर्मल ओपन पॉइंट रहता है वो ग्रीन LED के नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा दिया, और पुश स्विच को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो पुश स्विच का पॉइंट और ये दोनों रिले के पॉइंट और एक ये नेगेटिव पॉइंट जो LED का हमने यहाँ पर लगा दिया है, और रेड LED का जो नेगेटिव पॉइंट है वो रिले के नॉर्मल कनेक्शन जो NC पॉइंट रहता है उसके साथ में लगा दिया हमने। तो इसका डायग्राम मेरी वेबसाइट पर भी है। उसके बाद LED के दोनों पॉजिटिव पॉइंट जो हैं हम ऐसे लगा देंगे। तो ये वायर थोड़ा ऐसा हो गया, तो चलिए इस वायर का कलर रेड कर देते हैं जिससे हम पॉजिटिव लाइन जो अलग कलर में देख सकें। तो रेड वायर मैंने कर दिया है, काम सेम ही करेगा, कलर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 220 ओम के रजिस्टर को इस पॉइंट के साथ हम लगा देंगे। यहाँ पर दोनों LED के पॉजिटिव पॉइंट कॉमन किए थे हमने, और इसको रिले के कॉयल पॉइंट के साथ में हम लगा देंगे। तो इस वायर का कलर भी रेड कर देते हैं। उसके बाद जो पुश स्विच है, इस पुश स्विच का ये पॉइंट हम रिले के कॉमन पॉइंट रहता है जो, उसके साथ में हम लगा देंगे। और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट रिले के कॉमन पॉइंट या पुश स्विच के इस पॉइंट के साथ लगाएं, एक ही बात है, यहाँ पर लगा दिया है हमने। और पॉजिटिव लाइन जो है रिले के इस कॉयल पॉइंट के साथ में लगा देंगे। तो कनेक्टिविटी जो है इसकी पूरी हो गई। इतने ही कनेक्शन इसके हैं जो फिक्स्ड वेरिएबल पावर सप्लाई के लिए हम बनाएंगे। तो ये मैं वायर दोबारा से लगा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रही, इसके द्वारा मैं कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। तो ये पॉजिटिव लाइन LED के लिए, कलर फिर से चेंज कर देते हैं वायर का। तो कनेक्शन इसके पूरे हो गए हैं। अभी सिर्फ जो है आउटपुट पे हम एक बल्ब लगा लेते हैं जिससे आपको ये भी क्लियर हो सके कि आउटपुट जो है कहाँ से मिलनी है।
तो पॉजिटिव लाइन जो है डायरेक्ट हम यहाँ से ही लगाएंगे, पॉजिटिव लाइन से ही ये डायरेक्ट जाएगी वायर, और जो नेगेटिव लाइन है वो हमारी इस पॉइंट जो रिले का ये वाला पॉइंट है नॉर्मल ओपन पॉइंट जो है इसके साथ में रहेगी। तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं नेगेटिव लाइन को, तो इसको हम रेड कर देते हैं। कनेक्टिविटी जो है पूरी हो गई है, अब इसे सिमुलेट करके देखते हैं, सिमुलेशन मोड में डालते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही मैंने ये किया रेड एलईडी जो ऑन हो गया है, ग्रीन ऑफ है, तो इस तरीके से ये शो करेगा इसमें। तो जैसे ही इस पुश स्विच को मैं दबाऊंगा आप देखेंगे ये बल्ब जो आउटपुट पे लगा हुआ ये भी ऑन हो जाएगा और ग्रीन एलईडी जो है ऑन हो जाएगा। तो मैं पुश स्विच को दबाता हूँ, ये देखिए ग्रीन एलईडी ऑन हो गया है और आउटपुट पर वोल्टेज जो है आ गया और रेड हमारा ऑफ है। ये देखिए आउटपुट पर वोल्टेज आ गए हैं। तो चलिए अभी इसको शॉर्ट करते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए क्या, कुछ शॉर्ट सर्किट करके दिखाएं, तो एक पावर पुश स्विच एक जो है और लगा देते हैं। इस पुश स्विच को हम डायरेक्ट जो है इसके आउटपुट के साथ लगा देते हैं बल्ब की जो दोनों वायर थी, कि जैसे ही हम इस स्विच को दबाएं उसी टाइम जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए और हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं हम चेकिंग कर सकें। तो डायरेक्ट बल्ब के दोनों पॉइंट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंटों के साथ में स्विच को हमने लगा दिया। तो फिर से सिमुलेशन में डालते हैं इसको, देखिए रेड एलईडी ऑन है, आउटपुट पर अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो जैसे ही इस बटन को दबाएंगे वोल्टेज जो है आ जाएंगे, देखिए ग्रीन एलईडी ऑन है और आउटपुट पे वोल्टेज आ गए हैं। तो अभी हम इसको शॉर्ट करने के लिए इस पुश स्विच को दबाते हैं, जैसे ही इसको हम दबाएंगे उसी टाइम जो है रेड एलईडी ऑन हो गया है और आउटपुट पे वोल्टेज जो है चले गए, सर्किट ने जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। और फिर से हम इस पुश स्विच को दबाते हैं, देखिए वोल्टेज उसी टाइम आ गए हैं, रीसेट हो गया ये सर्किट हमारा और ग्रीन एलईडी जो है ऑन हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से सर्किट जो है वर्क करता है। तो अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।